सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट जिसका नाम है थियरी ऑफ सप्लाई। हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़ ली है, टुडे इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन। देखते हैं आज ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। थियरी ऑफ डिमांड में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है, वो सारी कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस में थियरी ऑफ सप्लाई रिलेटेड नहीं है, उसके ऑलमोस्ट आधी ही कॉन्सेप्ट थियरी ऑफ सप्लाई में दिया है। सो यस्टरडे तक हमारा ऑलमोस्ट डेफिनेशन ऑफ सप्लाई हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी हुआ है, एंड उसके बाद में हमने देखा था एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वंडरफुल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी द रेप्लिका ऑफ आपका जो हमने थियरी ऑफ डिमांड में इलास्टिसिटी देखा था, सेम टू सेम होगा। याद करने की कोशिश करो, थियरी ऑफ सप्लाई में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ, थियरी ऑफ डिमांड में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। कौन कौन सी थी बोलो? पहली थी प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरी थी आपकी इनकम इलास्टिसिटी, एंड तीसरी थी हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी वॉज ड्यू टू प्राइस, इनकम इलास्टिसिटी वॉज ड्यू टू इनकम, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी वॉज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। करेक्ट है? अदर देन प्राइस एंड इनकम ऑब्वियसली। सो यहाँ पे थियरी ऑफ सप्लाई में वी आर कंसर्न ओनली अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब सप्लाई का इम्पैक्ट, सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे, बट ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। इनकम एंड वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, है ना? आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। एंड उसके बाद में जैसे कि वहाँ पे कितनी मेथड्स थी, टोटल चार। प्राइस इलास्टिसिटी में कितनी मेथड्स थी याद कोई बोल सकता है? सिर्फ नाम फटाफट बोलो। चलो, पहला था यस परसेंटेज, पॉइंट, आर्क एंड टोटल आउटले या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे वी आर कंसर्न अबाउट ओनली प्राइस इलास्टिसिटी। उसके बाद में एक डेरिवेटिव फंक्शन से डिराइव किया फॉर्मूला है जिसको मैं पेंडिंग रखूंगा, जब तक आपका मैथमेटिक्स का थोड़ा डेरिवेटिव वाला पार्ट होता नहीं है तब तक वो फॉर्मूला आपको समझ में आएगा ही नहीं, तो उसको हम बहुत लास्ट में करेंगे। उसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू सेम टू सेम दो मॉड्यूल में भी मिलेंगे, एज वेल एज आरटीपी रिवीजन टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर उसमें भी मिलेंगे। वो सॉल्व तो मैंने उस सेशन में करके दिए हैं ऑलरेडी, बट ऑब्वियसली वो जब तक डेरिवेटिव का फंक्शन आपको नहीं समझता, जितने लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव किया है, ऑप्शन में नहीं छोड़ा है, शायद उनको इमीडिएट बेसिस समझ में आ जाएगा, अदरवाइज बाकी के लोगों को एज सच वो समझेगा नहीं। बट बेसिकली आप यहाँ पे इन द इकोनॉमिक सब्जेक्ट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो दैट डेरिवेटिव कैसे फॉर्मूला वो आया, वो दैट हैज कम फ्रॉम द डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला टॉपिक फ्रॉम योर मैथमेटिक्स। यहाँ पे जस्ट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। एनीवेज वो हम पेंडिंग रखेंगे। टुडे फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहले कैन एनी वन ऑफ यू, सिर्फ रेज योर हैंड, कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इलास्टिसिटी। इकोनॉमिक्स के हिसाब से इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या होगा बोलो? ईशा जी बोलिए, सबसे पहले हाथ रेस किया है। करेक्ट, दैट वॉज द डेफिनेशन रिलेटेड टू डिमांड। करेक्ट है? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक प्राइस, इनकम और अदर फैक्टर्स। सेम डेफिनेशन, कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई। कौन बताएगा बोलो? जानवी बोलो। करेक्ट, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू फैक्टर सच एज प्राइस। करेक्ट है? तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी का हमने डेफिनेशन बताया, तो यहाँ पे मैं उसको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में लिख के देता हूँ। इज इट राइट और नॉट, आप ही बोलो। इज इट राइट बोलो? इज इट राइट? सप्लाई का रिस्पॉन्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सो कैन एनी वन प्लीज टेल मी
हु इज डिपेंडेंट, हु इज इंडिपेंडेंट, किसकी वजह से कौन, पापा कौन एंड उसका बच्चा कौन, पहले पापा आते हैं फिर बच्चा आता है ना, तो पहले कौन बाद में कौन, प्राइस इज इंडिपेंडेंट एंड सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑब्वियसली ऑन प्राइस, करेक्ट है क्या? सो यहां पे ऐसे लिखू क्या, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इज इट राइट, करेक्ट है क्या, यस और नो? चलो अभी आप सिंपल फॉर्मूला मुझे डिमांड का बोल सकते हो, परसेंटेज मेथड वाला, रेज योर हैंड, मैं नाम बताता हूं। बॉयज में से कोई है क्या? अरे बॉयज कहाँ गायब हो जाते हो आप। अथर्व देशमुख बोलो, अथर्व, यस अथर्व बोलो, ट्राई करो परसेंटेज मेथड का। ठीक है, कौन बताएगा? चलो कानिया जी बताइए आप। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इज इट राइट? इसको इलैबोरेट कर सकती हो? यस सर। Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P। परफेक्ट, सही है, ठीक है। चलो अभी बॉयज आप में से कोई ट्राई करना चाहता है इसी फॉर्मूला को सप्लाई के इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। बॉयज, अगम शाह बोल सकते हो, ट्राई करोगे? ये अपना कौन सा वाला था, प्राइस इलास्टिसिटी, कौन सा वाला, डिमांड टॉपिक का, सेम फॉर्मूला को सप्लाई में कन्वर्ट कर लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, हाँ, डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। परफेक्ट, सही है, उसका फॉर्मूला बताओ। S1 माइनस S, ठीक है, अभी S1 नहीं बोलेंगे, Q1 ही ले लेंगे, बट दैट Q विल रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड, ओके चलेगा? हाँ, Q1 माइनस Q, हाँ, डिवाइडेड बाय Q, होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P, खत्म, इतना ही है, ओके वंडरफुल। ओके अभी मुझे कोई और बता सकता है कि यहां पे जब हमने डिमांड का इलास्टिसिटी देखा था परसेंटेज मेथड, वहां पे जो आंसर की जो रेंज थी वो कहां से कहां थी ओरिजिनली, कौन बताएगा? यस, किसने बोला ये? लक्ष्य ने बोला, बहुत बढ़िया लक्ष्य। सो यहां पे ऐसे लिखू क्या, 0 to नेगेटिव साइड इंफिनिटी, दैट वॉज द रेंज ऑफ द आंसर्स, बट हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या किया, वी इग्नोर्ड द नेगेटिव साइन। एंड इसका रीजन क्या दर है 0 to नेगेटिव इंफिनिटी का, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, करेक्ट है क्या? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, दैट्स वाई हमारा रेंज आया 0 से लेके नेगेटिव साइड इन्फिनिटी। अभी आप मुझे बताना याद करके, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप, ऐसा है क्या? नहीं, करेक्ट, पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप, सिमिलर रिलेशनशिप, वन एंड द सेम, सारी चीजें। तो यहां पे व्हाट डू यू थिंक, आंसर की रेंज क्या आएगी? 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। नहीं सर, वी डोंट ट्रस्ट यू, लेट्स कैलकुलेट।
लेट्स कैलकुलेट, मुझ पे भरोसा मत रखो, लेट्स फटाफट कैलकुलेट। कितने एग्जाम्पल करेंगे, चलो 10 एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। आपके सामने प्राइस दिया है, क्वांटिटी सप्लाई भी दिया है, आपके पास कैलकुलेटर होना ही चाहिए, है ना सबके पास कैलसी? चलो ट्राई कीजिएगा। इसको रीड करके बताऊं, ये पहला वाला रो रिप्रेजेंट्स क्या, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड, एंड ये सेकेंड रो रिप्रेजेंट्स चेंज्ड प्राइस एंड चेंज्ड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो कर सकते हो आप अपने आप। फॉर्मूला क्या है अपना, Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू होल डिवाइडेड बाई P1 माइनस पी डिवाइडेड बाई पी। कर सकते हो क्या सब लोग, यस और नो? जो लोग लाउडली आंसर नहीं दे रहे, आप आंसर देने के टाइम पे 1 डॉट उसके आगे आंसर लिखो, मतलब मुझे समझेगा कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, उस प्रकार से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो स्टार्ट। हो गए 10 के 10 टोटल।
Done. This question's done. Yes, sir. Chalo, let's check it out. Check out the answers. देखो यहाँ पे मैंने सही आंसर्स लिखे हैं क्या. फर्स्ट इज 2.5, सेकंड इज 0.5, थर्ड इन्फिनिटी, फोर्थ 1, फिफ्थ 0, सिक्स्थ 1, सेवेंथ 0.5, एट 2, नाइन्थ इन्फिनिटी एंड टेंथ 0. इज इट राइट? यस सर. सारे आंसर सेम है ना या कुछ अलग आ रहा है किसी का? सेम है ना? चलो थैंक यू वेरी मच. मैंने भी सही कैलकुलेट किया है आपकी तरह. एनीवेज कोई बात नहीं. सो यहाँ पे कैन आई राइट, किधर गया, किधर है भाई तू? कैन आई राइट परसेंटेज मेथड फॉर प्राइस इलास्टिसिटी? यहां पे आंसर की रेंज 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी. सही है? यस सर. चलो जी, कोई बता सकता है? रेज करो हाथ. 5 वो बहुत कीमती नाम जो हमारे 5 आंसर्स आते हैं ना इलास्टिसिटी के, टाइप्स, 5 टाइप्स. कौन बताना चाहता है? लेट मी चेक. चलो कौन बताएगा इसको? किशु, किशु कुमार. यस सर. बताओ बेटा 5 वो आंसर्स. फर्स्ट वन आंसर बोलो. ई का वैल्यू इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक. ओके नेक्स्ट वन. लेस देन 1 नाम रिलेटिवली इन इलास्टिक. इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक. करेक्ट. ई ग्रेटर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक. एंड लास्ट वन, कम ऑन, ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी. आंसर इज परफेक्टली. चलो सही नाम तो आपने दे दिया. अभी म्यूट कर लेना. आप बहुत बारिश में बैठे हो क्या? तूफानों का सामना करके लेक्चर देख रहे हो शायद. अच्छी बात है. yes, बारिश हो रहा है. चलो कोई बात नहीं. नाउ लेट्स प्लॉट एंड लेट्स चेक आउट कि किस प्रकार से यहाँ पे आंसर दिखेंगे. चलो जी, अभी सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द परफेक्टली इन इलास्टिक वाला पार्ट. अभी यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली नाम दे दिया, चल जाएगा ना? आपको अभी मतलब वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या कि इन इलास्टिक मतलब क्या? विच इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, विच डजेंट गिव रिस्पॉन्स एट ऑल. ये अभी समझ में आ जाएगी ना चीज़ें आपको? ठीक है, बाद में रिविजन के टाइप में फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आफ्टर प्लॉटिंग द डायग्राम्स. चलो फटाफट ओपन योर नोटबुक्स, टेक स्केल, पेंसिल, जो भी है आपके पास हथियार, सारे हथियारों को निकालो. वी आर गोइंग ऑन अ वॉर विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. चलो लेट्स स्टार्ट. टेल मी द टू क्वेश्चंस इन विच आंसर इज 0. जिसमें आंसर 0 आया ऐसे दो क्वेश्चन बताना. फिफ्थ एंड टेंथ. ओके जी, फिफ्थ क्या था बताइए, टेंथ क्या था वो भी बताइए. 100. हाँ 120. ओके चलो. हाँ टेंथ वाला भी बोल दो. चलो 100, 80. चलो ठीक है.
मैं अभी यहाँ पे विदाउट यूजिंग स्केल करूँ तो चलेगा? ये आपको एग्जैक्ट देखना है, आप बोलो उस हिसाब से करता हूँ। चलो एग्जैक्ट ही निकाल देता हूँ। आप भी यूजिंग स्केल ही कर रहे हो ना? तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड एंड यहाँ पे क्या आता है बोलो? प्राइस। चलो ये मेरे सामने आ गई मेरी 10 की 10 डायग्राम एक झटके में। चलो फर्स्ट पॉइंट 100 100, सो पॉइंट यहाँ पे किधर तो आ जाएगा। दूसरा पॉइंट 120 100 120 इज द प्राइस एंड 100 इज द क्वांटिटी। तो यहाँ पे सॉरी 120 इज द प्राइस ना एंड 100 इज द सप्लाई। सो ये यहाँ पे लेट मी प्लॉट टू पॉइंट्स। ओ माई गॉड, आ गया क्या आपका पहला वाला ग्राफ? यस और नो? सो ये कौन सा था रे क्वेश्चन? फिफ्थ था। अभी चलो इसको भी कर लेते हैं। किधर गया? 100 100 80 100। चलो जी देखते हैं इसको भी। फर्स्ट पॉइंट 100 100, दूसरा पॉइंट 80 100। चलो इसको भी प्लॉट कर लेता हूँ। ओए क्या हो गया इसको? तो ये दूसरा भी ग्राफ आ गया। तो आपके दोनों ग्राफ ऐसे दिख रहे हैं क्या? देखो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टेंथ ना, पांचवा एंड दसवा। तो ये है आपके दो ग्राफ जहां पे बोलो लाइन किस प्रकार से दिख रहा है, सोया है या स्टैंडिंग पे? पैरेलल टू वाई एक्सिस। कर्व अभी भी सोया नहीं है। अभी देखो सोना शुरू हो जाएगा उसका, नींद आ जाएगी। जैसे आप पढ़ाई करते हो आपको नींद आ जाती है ना, वैसे इसको भी अभी थोड़ी थोड़ी नींद आ जाएगी। चलो अभी मुझे बताना जहां पे आंसर इज लेस देन वन, मैं बाद में वीडियो ऑन करने के लिए बोलने वाला हूँ, ग्राफ चेक करूंगा मैं आपके। बोलो चलो ई लेस देन वन दो क्वेश्चन बताना फटाफट। सेकेंड एंड सेवन, सेकेंड क्वेश्चन बताना।
120, 110, करेक्ट। यस सर। एंड दूसरा सातवां भी बताओ। 100, 100, 80, 90। 80 and 90, ओके। चलो फर्स्ट पॉइंट 100, 100 कहाँ आएगा रितु? यस यहाँ पे आएगा तू, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट है 120, 110। सो 120 एंड 110, दिस इज द सेकंड पॉइंट। चलो दोनों पॉइंट को कर लेता हूँ प्लॉट। तो ये देखो यहाँ पे एंगल भी चेकआउट कर सकते हो आप, ऑलमोस्ट 55 डिग्री समथिंग है, 45 नहीं है, 45 इज द मिडल एंगल ना, तो 45 से ज़्यादा है ये। नेक्स्ट वाला क्या है? 180, 100, 100, 80, 90। हंड्रेड हंड्रेड, उसके बाद 80 एंड यहाँ पे 90। ये आ गया दूसरा वाला ग्राफ। तो देखो आपके दोनों ग्राफ इसी प्रकार से आ रहे हैं क्या? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, सही है? यस और नो? बोलो बच्चों। पीछे हो गया आप, मतलब थोड़ा स्लो हो रहा है क्या आपका? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक योर टाइम। हाँ मैंने वो ग्राफ को ही कॉपी पेस्ट कर लिया ना, आपके पास तो वो टूल है नहीं, इसलिए आपको फिर से एक बार वो ड्रॉ करने के लिए शायद टाइम लगेगा। चलो टेक योर टाइम, एक बार होने के बाद बोल देना, ठीक है? चलो जिनका हो रहा है थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो वो
आगे वाले ग्राफ भी ट्राई कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर तो आपको भी पता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू वन वाले दो क्वेश्चन बोलो क्या क्या है जहाँ पे आंसर इज इक्वल टू वन, फोर्थ एंड सिक्स। हाँ, जिनको आगे जाना है उनके लिए रिलेटिवली इलास्टिक वाले बोलो, ई ग्रेटर देन वन वाले भी दो ग्राफ दो क्वेश्चन बोलो, फर्स्ट एंड एट, ओके। एंड ये इन्फिनिटी वाला बोलो, हाँ ठीक है। तो जो लोग आगे जाएंगे तो दे कैन गो हेड, ठीक है, मेक श्योर कि आप सही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन बताओ, 6th वाला बोलो, 100, 100, 80, 80. तो दोनों भी कवर कर लिए ना, एक अपसाइड मूवमेंट है एंड एक डाउनसाइड मूवमेंट है। आपने देखा क्या ये हर एक इसके लिए दो दो एग्जांपल क्यों लिए, मतलब दोनों भी मूवमेंट समझ में आ जाए हमें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अपसाइड मूवमेंट है प्राइस का, यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट है क्वेश्चन, ये यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में अपसाइड मूवमेंट है प्राइस का, यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट है। तो इसी प्रकार से हमने हर एक इसके दो दो कर लिए है। चलो फोर्थ एंड सिक्स इसी प्रकार से दिख रहे हैं क्या, 45 डिग्री वाला आएगा एंगल। आपको एंगल शायद नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपके पास सिर्फ स्केल है ना, तो अगर वो क्या रहता है वो जिससे एंगल वो आप ज्योमेट्री के स्कूल में निकालते थे, क्या क्या बोलते थे, हाँ हाँ वही जो भी है, तो उससे चेकआउट कर सकते हो आप। चलो मैं आगे बढ़ू चलेगा, क्वेश्चन वन बोलो मुझे, 100, 100, 120, 150 एंड आठवां भी बोल दो, 80, 60, ओके।
चलो जी मेरा हो गया, भले ही आप पीछे हो डोंट वरी, आई विल गिव सम टाइम आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। तो मुझे लास्ट वाले दो बोलो, अभी थर्ड एंड नाइन्थ बोलो। 9th वाला बोलो। 100 and 50 ना 60 चलो मेरे सारे ग्राफ हो गए, कितने लोगों के पेंडिंग है अभी, मैं समय दे देता हूँ, बोलो सिर्फ पेंडिंग है या नहीं है। ठीक है चलो ठीक है, 2 से 3 मिनट दे देता हूँ सभी, अच्छे से फटाफट क्लियर चाहिए मुझे, गंदगी नहीं चाहिए नोटबुक पे, गंदगी फैलाने का काम हमारा नहीं होता है, जानवरों का होता है, तो गंदगी मत फैलाइए। तो अच्छे से ग्राफ प्लॉट कीजिए, आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स।
सभी लोगों का हो गया है या कुछ और समय चाहिए? ओके, चलो 2 मिनट ले लो। चलो, आई थिंक इतने सारे ग्राफ आप सभी लोगों के हो चुके हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। इस ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके उसको थोड़ा सा एक नाम दे देंगे, चलेगा? तो चलो, अभी यहां पे देखो, मैं बोल रहा था ना स्टार्टिंग में वो बंदा खड़ा है, अभी धीरे 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 जैसे राइट लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो सो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इट्स स्टैंडिंग अप एंड यहाँ पे एट द एंड पॉइंट, जस्ट लाइक योर स्टडीज, वेन एवर यू स्टार्ट स्टडी इन द फर्स्ट 5 मिनट यू आर अवेकन, आप जिंदा होते हो, आप पढ़ते हो। थोड़े 5 मिनट के बाद फिर थोड़ा बेंच पे सिर रख के, उसके बाद में ओ माय गॉड, तो वो बेंच के बाजू में एक बेड भी होता है, तो वहाँ पे चलो सर थोड़ा सा तकिए को मतलब लेट के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंड उसके बाद में फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स आफ्टर स्टडिंग यू फाइनली, बराबर ऐसे ही होती है ना आपकी ज़िंदगी, इसके अपोजिट होनी चाहिए। चलो यहाँ पे इट इज पैरेलल टू, बोलो चलो, वाई एक्सिस। ये क्या है, स्टीपर और फ्लैटर? स्टीपर। ये क्या है? हाँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, वो डिमांड वाला रेक्टेंगुलर हाइपर बोलता है। दिस इज 45 डिग्री एंगल। उसके बाद में ये क्या है, फ्लैटर और स्टीपर? फ्लैटर। एंड दिस इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, यस, एक्स एक्सिस, यस। चलो यहाँ पे फिर से एक बार मैं प्लॉट कर लेता हूँ, पांचों चीजों को कंक्लूड करेंगे अच्छे से विथ नेम्स। सो अवर, देखो अभी मैं एक क्विक रिविजन दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को अनम्यूट करके मेरे साथ बोलते जाना है। सो प्राइस इलास्टिसिटी में टोटल आएंगे हमारे 5 आंसर्स फ्रॉम 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। वाई? बिकॉज देर इज डैश डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, पॉजिटिव रिलेशनशिप। पहला वाला है E इज इक्वल टू 0, नाम बोलो, परफेक्टली इन इलास्टिक। उसके बाद में उसका ग्राफ किस प्रकार से दिखेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट वन E इज लेस देन 1, परफेक्टली नहीं, रिलेटिवली इलास्टिक। ग्राफ कैसे दिखेगा? स्टीपर। ओ, हिंदी डायलॉग रह गया। यहाँ पे क्या है, प्राइस में चेंज, सप्लाई में नो चेंज, करेक्ट। यहाँ पे सेकंड वन, प्राइस में ज़्यादा चेंज, सप्लाई में कम चेंज, करेक्ट है? यस, ऑसम। नेक्स्ट वन, ई इज इक्वल टू 1, बोलो, परफेक्टली, यस, यूनिटरी इलास्टिक। ग्राफ कैसे है, 45 डिग्री? हिंदी वाला डायलॉग बोलो, जितना प्राइस में चेंज उतना ही सप्लाई में चेंज, करेक्ट। यानी कि सेम टू सेम चेंज दोनों में भी। नेक्स्ट वन, ई ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा सो जाता है ना, फ्लैटर, बोलो, प्राइस में कम चेंज, सप्लाई में ज्यादा चेंज। टप्पू कौन है ये? ये टप्पू तो वो तारक मेहता है, तारक मेहता सुबह सुबह देख रही हो आप, ऐसे क्यों करती हो, ऐसे मत करो, पढ़ाई करने का समय है। इज इक्वल टू इन्फिनिटी, चलो बोलो, परफेक्टली
इलास्टिक, ये क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्राइस में नो चेंज, सप्लाई में अनलिमिटेड चेंज। तो ये थे आपका कंक्लूजन ऑफ द परसेंटेज मेथड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। सही है क्या? सारी चीजें समझ में आई क्या? सिंपल था ना? अगर आपका थ्योरी ऑफ डिमांड हो गया अच्छे से तो फिर ये ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगी ना। वहां पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई एक साथ जिस टाइम पे आते हैं तो कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होता है। तो चलो देखो, 10 के 10 ग्राफ सिंपल पेन से ड्रॉ करेंगे, आप भी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना 10 के 10 ग्राफ एक ही पेज पे। अभी आप क्या करो, आपका ऐसा ऐसे बड़ा पेज है ना, मेरा थोड़ा सा फ्लैटर है, तो आप क्या करो 5 ग्राफ मतलब 1 2 3 4 5 वर्सेस 1 2 3 4 5 ऐसे करना, ठीक है? ये आपका नोटबुक का पेज होगा, चलेगा क्या? बाद में मुझे दिखाना वीडियो ऑन करके, 2-3 लोगों का चेक करूंगा। सिंपल सिंपल पेन से डायरेक्टली ड्रॉ किया तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एंड वहां पे ई का वैल्यू लिखना है नीचे, एंड उसके बाद में आपको उसका नाम लिखना है, दैट्स इट, उतना ही करना है आपको। चलो मैं अभी कर रहा हूं, मैं ऐसे लाइन वाइज लिखूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे स्क्रीन वैसा है, आप ऐसे वर्टिकली लिखना, चलेगा? चलो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों करने ये चीजें, एक डिमांड का एक सप्लाई का। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ई इज इक्वल टू 0, डिमांड का किस प्रकार से होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, सप्लाई का किस प्रकार से होता है ई इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड नाम देना है, नाम आप दे दो, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। चलो नेक्स्ट वाला ग्राफ, नेक्स्ट वाला ग्राफ क्या है जी, ई इज इक्वल टू ई लेस देन 1 रिलेटिवली इन इलास्टिक, ग्राफ इज स्टीपर। यहां पे सप्लाई वाला ई लेस देन 1 रिलेटिवली इन इलास्टिक, ग्राफ इज स्टीपर। देन E इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे सप्लाई में ग्राफ इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, ग्राफ इज 45 डिग्री। नेक्स्ट वन ई ग्रेटर देन 1, यहां पे क्या है नाम उसका, रिलेटिवली इलास्टिक, ग्राफ इज फ्लैटर। यहां पे सप्लाई में ग्राफ ई ग्रेटर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक, ग्राफ इज फ्लैटर। लास्ट वन, कम ऑन गाइज, ई इज इक्वल टू इंफिनिटी, नाम क्या है परफेक्टली इलास्टिक, ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सप्लाई में इज इक्वल टू इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक, ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ये सारे ग्राफ हमने एक ही जगह पे लाए, सारे के सारे ग्राफ, इससे ज्यादा कुछ ग्राफ बचे ही नहीं इलास्टिसिटी में। सभी लोगों का हो गया? या अपने आप से आया है, मेरा देख के कॉपी किया आपने, कॉपी कैट, अपने आप से आया क्या? यस और नो? आ रहा है ना अभी?
डन गाइज, बोलो रे, यस बोलो या फिर नो बोलो, नो कुछ तो बोलो। सर। नॉट डन, मैंने आप ही के साथ लिखा ना, आपने फिर से एक बार वो स्केल यूज कर रहे हो क्या? डन सर, डन। डन। चलो जी, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, देन अवर थियरी ऑफ, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी नहीं, अलग कंसेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, देन अवर सप्लाई टॉपिक विल बी ओवर। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।